जय श्री राधा माधव, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उत्तर कर उपांशु और उससे उत्तर कर साधारण जोर जोर से उच्चारण करते हुए जप करना है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह अभ्यास उसी का करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर भी मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित, निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। एतव यथा साध्य कुछ माला, कम से कम 16 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। यदि निष्काम ना आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही जप करना चाहिए। भगवान नाम जप की महिमा से आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो जाता है। प्रतस्मरणीय भक्तराज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर ध्यान सहित मंत्र जप किया, उन्हें राज्य भी मिला और भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली, थोड़े से ही समय में काम बन गया। इतना सब क्यों हो गया? इसलिए कि ध्रुव दृढ़ विश्वासी था। जिस समय माता ने उसे उपदेश मिला, उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद मिले, उन्होंने सहज में राज्य दिलवाने का लोभ और वन के भीषण कष्टों का भय दिखलाकर ध्रुव की परीक्षा की। जब उसे पक्का पाया तो नारद जी ने दया करके उसे भगवान नाम मंत्र दे दिया। ध्रुव दृढ़ विश्वास निश्चय के साथ तन मन की सारी सुधि भुलाकर मंत्र का जप करने लगा। भगवत भाव से उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ा। साक्षात नारायण को उसके सामने मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवत दर्शन में जो देरी हो रही है, इसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूरा विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास है उतने अंश में सिद्धि भी होती है। भक्तराज हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। 300,000 नाम जप का उनका नियम था। रामचंद्र खां भी भेजी हुई वैश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनि को सुनकर स्वयं पाप पथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी भी प्रकार हो, नाम का फल अमोघ है। जय श्री राधा माधव।